कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.8 हम इसका 12वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। इसका पहला भाग है इंगित 8। अब ये एक स्पिन व्हील है बच्चों, स्पिन व्हील में एक एरो लगा होता है, स्पिन व्हील को हम घुमाते हैं तो वो स्पिन व्हील घूम घूम के एक जगह रुकते हैं, एरो जिस नंबर पे आ जाए वो नंबर जीता हुआ माना जाता है ना, जिसने भी उस एरो को उस नंबर को चुना वो जीता हुआ माना जाता है। तो हम इस संख्या व्हील को मान लीजिए घुमाते हैं, वो कहते हैं कि क्या प्रायिकता है कि यह 8 को इंगित करेगा, यानी संख्या 8 को इंगित करेगा। अब हमने प्रायिकता का जो फार्मूला किया है, सूत्र किया, वो क्या किया है, ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब इस में कुल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां हम लिखेंगे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर कुल संख्या है, कुल चांसेस है 8, और इसमें 8 नंबर कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है। तो इसका मतलब यदि हम इस स्पिन व्हील को घुमाते हैं तो देखिए सभी के खाने जो है वो बराबर बराबर है, तो 8 के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8 के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8। अगला, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। जब हम स्पिन व्हील को घुमाएंगे तो क्या प्रायिकता है कि वह एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कौन सी होती है, जो दो के पहाड़ में नहीं आती। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5 और 7। ये चार जो है ये विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब अब हम निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र फिर वही है, टोटल आउटकम्स नीचे, टोटल कितने आउटकम्स हैं, 8 नंबर 8 में से कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब हो गया टोटल आउटकम हो गए 8। और प्रश्न है विषम संख्या, विषम संख्या कितनी है, 4। विषम संख्या कितनी है, 4। विषम संख्या कितनी है, 4। तो 4 आ गया ऊपर। ये हो गई किसी विषम संख्या को आपको इंगित करने की या मार्क करने की प्रायिकता। यदि आप चाहें तो इसको काट दे, 4 × 4 = 8, तो इसकी जो प्रायिकता आ गई वह आ गई 1/2। ठीक है, अब हम आइए हम इसका देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है क्या प्रायिकता है कि यह इंगित करेगा 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें 2 से बड़ी का मतलब ये होता है कि इसमें 2 को नहीं लेना, 2 से बड़ी संख्याओं को लेना है। तो इसमें 2 से बड़ी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब फिर से 2 से बड़ी संख्याओं के आने की प्रायिकता, फिर वही कुल चांसेस कितने हैं, 8। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 6। तो ये हो गई 2 से बड़ी संख्या के आने की प्रायिकता। इसको हम काट सकते हैं, 2 के पहाड़ में 2 × 6 = 8, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 3/4। अगला प्रश्न है 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब यदि हम देखें तो ये सारी ही संख्याएं 9 से छोटी हैं। ठीक है, यदि आप इसे चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सारी ही संख्याएं डेफिनेटली 9 से छोटी हैं। इसका मतलब जब हम स्पिन व्हील को घुमाएंगे तो 9 से छोटी संख्या आएगी ही आएगी, और हमने सीखा है कि जो संख्या पक्का होती ही होती है, जो घटना उसकी प्रायिकता होती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 9 से छोटी कितनी संख्या है, 8, और टोटल कुल चांसेस कितने हैं, 8, 8 से 8 कट गया 1, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1। तो इस प्रकार से हमने स्पिन व्हील के सभी ऑप्शंस की प्रायिकता को निकाला है।